आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मंदिर प्रांगण से शुरू कर रहा हूं और इसके बाद चलूंगा मैं गरुड़ चट्टी, यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और मैं बता दूं आपको, आज मेरे घर से मेरे परिवार और ससुराल पक्ष के लोग आए हुए हैं, उनको उनके साथ पूरा घूमूंगा। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू। तो आप सामने देख लीजिए, ये है बाबा भोलेनाथ का मंदिर। और ये देख लीजिए, आज मौसम बहुत सुंदर मौसम है, बहुत सुहावना मौसम। करीब यहाँ पे 5-6 दिन से जो है मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। ये प्राचीन केदारनाथ मंदिर है और मैं यहाँ पे कम से कम 28 साल बाद आया हूँ और मुझे बहुत प्रेम देखने को मिला है। इस समय हमें मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के सामने होते हैं। भीमशिला जो कि 2013 में आप जो आपदा आई थी उसको मंदिर को उस समय गार्ड किया था, यही भीमशिला। और मंदिर से महज 20 मीटर की दूरी पर है शंकराचार्य समाधि स्थल। यह सामने शंकराचार्य समाधि आप देख सकते हैं। अभी हमें शंकराचार्य समाधि स्थल के पास में, शंकराचार्य जी जो हैं इन्होंने सारे मठ मंदिर की खोज किया और केदारनाथ का जो खोज किया था यही शंकराचार्य जी ने किया था। और 33 साल की अवस्था में यहीं पे इन्होंने समाधि ली थी। सामने देख लीजिए, ये है मंदाकिनी और ठीक इधर से आप देख लीजिए, ये है दूध गंगा, यहाँ पे मिल जाती हैं। और ठीक इसके थोड़ा आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 5 नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं और मंदाकिनी हो जाती है। इतनी अच्छी धूप है, इतना अच्छा मौसम है कि सभी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यात्री लोग ठंडे पानी से ही स्नान कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गरुड़ चट्टी की तरफ और देख लीजिए, यहाँ से रास्ता जाता है, पुल से होकर के रास्ता जाएगा गरुड़ चट्टी तक। सामने देख लीजिए, ये लाइन लगी हुई है, यह आस्था पथ के नाम से है और आस्था पथ यहीं से जो लाइन जा रही है दूसरे मंदिर की तरफ जाएगी। और उसके पीछे में आपको दिखा दूँ, लाइन है ये यहाँ से करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर जो हेलीपैड है वहाँ तक की लाइन लगी हुई है। चलिए आपको ले चलते हैं गरुड़ चट्टी की तरफ और दिखाते हैं वहाँ के सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं। इस समय पहुँच चुके हैं ठीक केदारनाथ जो पूरी है नगरी है इसके ठीक गरुड़ चट्टी की तरफ, यानी उल्टी साइड में। इधर देखेंगे आप, इधर में हेलीपैड है और GMBN के जो कॉटेज वगैरह है उस साइड में है। और ठीक इस साइड में आप देखेंगे और एक बहुत सारे जो टेंट वगैरह लगाए गए हैं, प्राइवेट भी हैं और इधर में GMBN हम लोग बोल करके लगाए हुए हैं। तो सब जगह देखेंगे आप तो चारों जगह इस समय टेंट से भरा हुआ है पूरा केदारनाथ क्षेत्र। और ठीक इधर देखेंगे आप तो ये है बाबा भोलेनाथ की नगरी जो है केदारनाथ। और सब देख लीजिए हिमालय पे इसमें अच्छी धूप खिली हुई है। काफ़ी दूर चलने के पश्चात सभी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और खाने को लाए हैं, काफ़ी बिस्किट वगैरह लाए हैं जो लोग यहाँ पे बिस्कुट खा रहे हैं। और पानी जो बहुत ठंडा पानी यहाँ पर है उसी के सारे यहाँ पे बिस्कुट खा रहे हैं। हर हर महादेव। जो पीठ में ला रहे हैं ये घास ला रहे हैं घोड़े कचर वगैरह के लिए, जो घास लाते हैं। और यहाँ पे हालांकि जो घास होता है बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। देख लीजिए सुबह गए होंगे और थोड़ा सा ही ले पाए हैं। मिलते नहीं जंगल में घास, नहीं मिलता है। कितने दूर गए थे हम? करीब 5 किलोमीटर घूमिए। ये देख लीजिए, एक समय था जब गरुड़ चट्टी के लिए ये रास्ता था। गरुड़ चट्टी नहीं, हम कहेंगे कि यहाँ से गौरीकुंड के लिए ही यही रास्ता था। जब आपदा आई, आपदा के बाद रास्ता ध्वस्त हुआ, उसके बाद नया रास्ता बना। आप देख सकते हैं ये है सिर्फ गरुड़ चट्टी तक, मात्र 3 किलोमीटर तक ये रास्ता बना है। देख लीजिए, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रहे हैं और यात्री की सुविधा के लिए यहाँ पे 9 कंपनियाँ
इस बार केदारनाथ में है। इस समय जो हेलीकॉप्टर हैं इस समय उतर रहे हैं हेलीपैड पे, जो मुख्य हेलीपैड है यहाँ पे, यहीं पे जो है जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो उतरते हैं। और देख लीजिए इस समय दो हेलीकॉप्टर इस समय उतर रहे हैं हेलीपैड पर। और देख लीजिए पूरा नज़ारा केदारनाथ का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, मौसम बहुत सुंदर है इस समय। और देख सकते हैं आप बड़ा सुंदर लग रहा है इस समय केदारनाथ पूरी, क्योंकि जिस साइड हम आए हैं ठीक उल्टी साइड इस समय रास्ता है। और नीचे तक मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ बेस कैंप घोड़ा बड़ा वगैरह सब यहीं से, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है गरुड़ चट्टी का रास्ता यहाँ, तो यहाँ तक हम जो सीधा चले हैं इसके पश्चात जो है यहाँ पे डाउन है गरुड़ चट्टी के लिए ठीक बेस कैंप के उल्टी साइड में इस समय हम हैं। और घोड़ा पड़ाव के सामने जो है वो गरुड़ चट्टी है। और कितने सुंदर नज़ारे यहाँ पे हैं। इधर देख लीजिए ये है घोड़ा पड़ाव, ठीक घोड़ा पड़ाव के ऊपर आप देख सकते हैं इस समय हेलीकॉप्टर चला है। और ठीक ऊपर की पहाड़ी पर आप देखेंगे तो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, जहाँ की पूरा क्षेत्र में धूप देर तक नहीं रहता है, इस बोल करके बर्फ़ अभी तक गला नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा नंदी बेस कैंप की तरफ। और नीचे में देख लीजिए ये हेलीकॉप्टर एकदम नदी के सहारे चल रहा है। इस समय हम ठीक हैं जो सामने नंदी बेस कैंप है, नंदी बेस कैंप की ठीक उल्टी साइड में है, सामने है नंदी बेस कैंप। इसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये है घोड़ा पड़ाव। और पूरी मैं इधर से आपको केदारपुरी दिखा दूँ, ये घोड़ा पड़ाव से स्टार्ट होकर के नंदी बेस कैंप, उसके बाद जो है हेलीपैड, और उसके पश्चात आप चलेंगे तो केदारनाथ जो पूरी है केदारनाथ की वो सामने है। जो हेलीकॉप्टर हैं इनमें फिलहाल अक्टूबर तक जो है बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बीच अगर कोई आपको बताता है कि आपको आधा पैसा दें या ऐसा कुछ करें तो किसी तरह से ऐसी बुकिंग ना करें, क्योंकि बुकिंग सिर्फ जो होती है IRCTC से होता है, और अन्यथा ये बुकिंग ना करें। आप सोच रहे होंगे ये बैल गाय यहाँ पे कहाँ से आ गई, क्योंकि नज़दीकी गांव गौरीकुंड तिरजुगी नारायण सीतापुर उस जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और ये गाय वगैरह यहाँ पे 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं, 6 महीने तक ये चुगते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त होकर के अक्टूबर महीने में लगभग आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। अभी फूल नहीं खिला इसमें। दोस्तों ये है ब्रह्मकमल वाटिका, और देख सकते हैं आप ये है ब्रह्मकमल। कुछ समय पश्चात इसमें फूल खिलेंगे, फूल खिलेगा और तरह तरह के यहाँ पे और फूल भी हैं वो सब खिल जाएंगे, किंतु ब्रह्मकमल जो है जो यहाँ पे सबसे प्रिय फूल है बाबा का ब्रह्मकमल, ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर। तरह तरह की यहाँ पे फूल खिलने आरंभ हो गए हैं, बहुत सुंदर लगता है। और कुछ समय पश्चात और भी ज़्यादा फूल यहाँ पे खिलेंगे, क्योंकि ये ऊपर में एक वाटिका है ब्रह्मकमल वाटिका, वहाँ पे ब्रह्मकमल वगैरह खिलेंगे। आने वाले कुछ दिन पश्चात जब बारिश खूब आ जाती है, बरसात आ जाता है, तो यहाँ पर तरह तरह के फूल और बहुत सुंदर फूल पूरी से खिलने से पूरी धरती जो है अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। देख लीजिए ये घोड़े वगैरह जो हैं ये चरने के लिए भेजे जा रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र में देख लीजिए काफ़ी दूर तक जो पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे पेड़ हैं, कितना शीतल यहाँ पे पानी है, जगह जगह पे यहाँ पे
पानी निकलता है। केदारनाथ में केदारनाथ की जो भूमि है वो दलदल भूमि होती है और जगह जगह पे पानी रहता है, बहुत शुद्ध और स्वच्छ पानी यहाँ पे मिलता है। साथियों जो ये बर्फ़ पड़ी हुई है ठीक यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हथनी टॉप, ये हथनी टॉप पे पिछले साल मैं गया था, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है और इसी रास्ते से मैं गया था। पहाड़ की आप सुंदरता देख सकते हैं, कितना सुंदर जगह है, कितनी सुंदर यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। इधर से चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। मन करता है इधर इन्हीं पहाड़ियों में हमेशा रहें, लेकिन समय होता है, जाना पड़ता है, कार्य भी करने होते हैं, ज़िंदगी में अनेक कार्य होते हैं। ये है गरुड़ चट्टी, यहाँ पर से लगभग 1.5 किलोमीटर और नीचे गरुड़ चट्टी है, क्योंकि मेरे पास पूरा समय नहीं है, क्योंकि जो नज़ारे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी गरुड़ चट्टी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, ठीक है, रामाश्रम में पिछली वीडियो में गया था। इधर आपको मैं यहाँ की प्रकृति के जो नज़ारे हैं, सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, वही आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा और कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है, कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ से आप सुई नदी की बात ज़्यादा करें, ठीक मेरे ऊपर आप देख सकते हैं नदी है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, और नीचे आप ठीक देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि बकरियाँ वगैरह चराने के लिए यहाँ पे लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भुग्याल, हम कह सकते हैं भुग्याल हो जाते हैं, तो बकरियाँ यहाँ पे लगभग सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे रहती हैं। ठंडा पड़ने के बाद ही यहाँ पर से बकरियाँ वापस आती हैं। आप देख सकते हैं इधर में भी बकरियाँ हैं, क्योंकि ये बकरियाँ ऐसे नहीं समझिएगा कि ऐसे ही रहती हैं, घरों में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब छोड़ा जाता है तो इनके साथ में कुत्ते होते हैं, कुत्ते ही इनकी देखभाल करते हैं, इधर उधर जाने पर ही कुत्ते इनको इकट्ठे करते हैं, मालिक तो एक जगह पर रहते हैं। पीछे जाओ, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे, जय भैरवनाथ।